हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं दोपहर से। 6 से 7 दिन हो चुके हैं व्लॉग नहीं शुरू किया, तो मैंने सोचा क्यों ना शुरू कर दिया जाए एक नया व्लॉग। तो अभी लंच के अंदर खा रहे हैं मैगी, मैं और हैरी, और इसके बाद मैं करूँगा वर्कआउट। और मैंने अभी अभी जस्ट 2 वीडियो शूट की है फिटनेस की, शीलाजीत की स्पॉन्सरशिप वगैरह आई हुई थी तो उनकी वीडियो शूट की है। तो ये खाकर शीलाजीत पीकर चलेंगे सीधा छत के ऊपर वर्कआउट करने के लिए। आज करना है चेस्ट वर्कआउट, तो अभी थोड़ी देर में वहाँ पे जा रहा हूँ वीडियो शूट करने के लिए लेग्स वर्कआउट की, क्योंकि विदाउट इक्विपमेंट बनानी है। अभी थोड़ा ट्रेंड चल रहा है तो ऐसे मतलब बनानी पड़ती है मतलब, ठीक है। तो अभी और हैरी ने ना, ये देखो यार, इसने ना न्यू मोबाइल ले लिया। हैरी कौन सा वाला लिया? इसने लिया है वन प्लस का नोड फोर। तो ये है इसका न्यू मोबाइल, ये देख लो पीछे से ऐसा है, काफ़ी मस्त है। इसका भी एक रिव्यू देंगे, है ना, रिव्यू देंगे इसका। ये देख लो भाई क्या मस्त चलता है। इसके अंदर ना प्रोसेसर जो है ना वो है 7th Gen 3, जो कि गेमिंग के अंदर काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है। फ़ोन को ओवरऑल बढ़िया मतलब परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती है इस प्रोसेसर के साथ। तो मैं भी सोच रहा था अपग्रेड करने के लिए, बट जो वन प्लस का फ़ोन है उसका जो फ्रंट कैमरा है वो 4K 30 FPS पर होता है, तो मुझे चाहिए 60 FPS, जो कि मुझे अभी सैमसंग के अंदर करंटली मिल रहा है। तो मैं उसकी वजह से चेंज नहीं कर रहा फ़ोन, और आईफोन का देखेंगे बाद में, वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ले तो सकते हैं, बट उसके अंदर जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती है, क्योंकि मेरा जो वीडियो वगैरह का रहता है एडिटिंग का वो उसी के ऊपर रहता है, तो इसलिए वो मुझे ना मतलब सही नहीं बैठता आईफोन। वैसे तो बढ़िया, देखेंगे अगर मिल जाएगा, है ना, ले लेंगे मतलब। तो चलो गाइस लंच वंच करके वीडियो शूट करते हैं और इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी तो हमारा भाई जस्ट घर पहुंचा है काम से, और ये एक नई स्पॉन्सरशिप आई है, तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप वगैरह आ रही है मुझे अभी, तो कर रहे हैं अनबॉक्स, देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। ये कुछ इस तरह की पैकिंग है, और इसके अंदर हमें मिलता है फिटिका का ओमेगा 1000 ओमेगा 3 कैप्सूल्स वगैरह हैं। गुड इवनिंग गाइस, तुम्हारा भाई आ चुका है काम पे, और कन्नू ताऊ जी एंड हैरी आए थे, इन्होंने नया फ़ोन ख़रीदा है, ताऊ जी ने लेके दिया है कन्नू को, और अभी ये पार्टी करने के लिए गए हैं। मैं और हैरी जा रहे हैं, तो मैंने सोचा व्लॉग शूट कर लूँ, पहले तो भूल गया यार शूट करना चाहिए था। तो इसने फ़ोन लिया है नया, वो बताते हैं कौन सा फ़ोन है, जाके आपको दिखाते हैं। तो चलो गाइस जल्दी से निकल रहे सीधा अपना चाय वाले के पास, वहाँ पे बैठे हुए हैं सभी पार्टी करने के लिए। तो फाइनली गाइस अपना चाय वाले रेस्टोरेंट पे पहुंच चुके हैं, हैरी जा रहा है अंदर। फाइनली गाइस कन्नू ले आया ऑर्डर, यहाँ पे वेटर की जॉब लग चुका है ये न्यू फोन के चक्कर में, अभी इसको यहाँ पिज्ज़ा वगैरह सर्व करना पड़ रहा है, ये देख लो। तो पिज्ज़ा एंड कॉफ़ी आ गई है, फाइनली गाइस अपनी कॉफ़ी आ गई है, तो अब मस्त इंजॉय करते हैं। तो फाइनली गाइस खाना पीना हो चुका है, तो अभी जा रहा हूँ मैं हॉस्पिटल, तो आप लोगों को ना कल सुबह मिलेंगे। गुड नाइट टुमारो गाइस। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, मम्मी तो है नहीं घर पे, मम्मी क्योंकि सुबह की गई हुई है ना कहीं पे काम, तो यार हम लोगों को लगी हुई है भूख, और खाने के लिए घर पे कुछ बनाया नहीं हुआ, ना ही हम लोग बना सकते हैं, बिकॉज हमें आता नहीं है बनाने। और मैं और कन्नू जा रहे हैं अभी कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, बंगाला सिटी जा रहे हैं। यार गाड़ी का देखना गाइस, अभी मेरा और कन्नू का प्लान चेंज हो चुका है, हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया बर्गर कुलचे का घर के लिए, और मैं और कन्नू जा रहे हैं अभी बर्गर किंग मील खाने के लिए 99 रुपीज़ का। तो फाइनली गाइस पहुंच गए हैं यहाँ पे, डाइनिंग करवाया ऑर्डर, तो थोड़ी देर में आ जाएगा, देन उसके बाद खाते हैं मस्त। हाँ गाइस कन्नू का जो फ़ोन था वो तो दिखाना भूल गया मैं रात को, तो अभी दिखा देते हैं। तो फाइनली गाइस ये फ़ोन लिया है कन्नू ने, MI का Note 13 Pro, रेड कलर में, देखो क्या मस्त चमक रहा है यार, बहुत अच्छा फ़ोन है ये। 12 256 GB लिया है हमने, मस्त है ये। फाइनली गाइस अपना मील आ गया, कन्नू लगा हुआ है यहाँ पे स्नैपचैट डालने के लिए। गाइस अभी ओनली जस्ट बर्गर खाया, और भाई पेट फुल हो गया, फ्राइज पड़े हुए हैं और इसमें कोक पड़ी हुई है, ये खाकर ना आज दोपहर का लंच तो हो जाएगा। तो गाइस बाहर आ गए हैं फ्रेंच फ्राइज लेके, क्योंकि अंदर तो खा ही नहीं गए, पेट फुल हो गया यार इतने में ही, ये देख लो। तो चलो अब निकलते हैं सीधा घर, वहाँ से ऑर्डर उठाते हैं, घर जाके मिलते हैं आपको सीधा। तो फाइनली गाइस घर पहुँच गए हैं, और ये देख लो यहाँ पे हैरी लगा हुआ है मस्त कूलर लगा के बाहर,
बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, रात को ना ट्रांसफार्मर जो हमारे गांव का था ना वो सड़ गया था, मतलब कि ख़राब हो गया था, तो उसको फिक्स किया तो आज लाइट आ गई है। बिकॉज गांव में ना लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हर किसी ने एसी लगवा लिया है। वैसे हर किसी ने तो नहीं, थोड़े बहुत एसी तो हमारे गाँव में लग चुके हैं। हमारे घर में 3-4 एसी और बाकी तो पता नहीं कितने होंगे गाँव के अंदर। तो फिलहाल ये खाकर हम लोगों ने तो खा लिया, ठीक है, इनको खाने देते हैं और देखते हैं आगे क्या करना है।